मरकटासन तो बहुत इजी है ही, सबको पता ही है। घुटने पंजे पास में, इसी में पैर मुड़े हुए थे ना कंधरासन में, मुड़े मुड़े पैरों से दाएं तरफ पैर बाईं तरफ। अब देखो, अब मैं इसको थोड़ा सा दुनिया की दृष्टि से बोलता हूं। दुनिया में जो पहले पेट के लिए और डायबिटीज के लिए किए, तो सभी को जरूरी है वो, क्योंकि 100 में से 99 आदमी का पेट खराब है। आदमियों का मतलब सब आ गए उसमें, आदमी औरतें सब आ गई, मेल फीमेल सब आ गए, पेट गड़बड़ पीठ गड़बड़, इन दोनों समस्याओं से एक भी आदमी अछूता नहीं दुनिया में, सबके गड़बड़ हो रखे हैं। पेट गड़बड़, डायबिटीज या तो हो चुकी है, होने की तैयारी है, इसलिए सारे दुनिया के लिए योग करना जरूरी है। घुटने पर घुटना, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, गर्दन अपोजिट साइड, एक स्थिति में रुकते हैं फिर दूसरी ओर से, बीच में आइए फिर दूसरी ओर से, हाँ ऐसे, घुटने पर घुटना, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, एक स्थिति में ठहरते हैं, आराम आराम से करते हैं। देखो आपको तेजी से भी मैंने 100-100 बार भी दंड बैठक करवाया था ना, वो भी योग है, ये भी योग है, गति भी योग है और शांति भी योग है, प्रवृत्ति भी योग है, निवृत्ति भी योग है, अभ्युदय भी योग है, निश्रेयस भी योग है, सब योग का अंग है ये, श्रम भी योग है, विश्राम भी योग है, निर्माण भी योग है और निर्वाण भी योग है, प्रार्थना भी योग है, पुरुषार्थना भी, पुरुषार्थ और प्रार्थना दोनों योग है, श्रम विश्राम प्रवृत्ति निवृत्ति अभ्युदय निश्रेयस, श्रम विश्राम। मरकटासन का एक अभ्यास हुआ, घुटने पंजों में फासला, दूसरा अभ्यास, एक घुटना जमीन पर, दूसरा घुटना टखने के ऊपर, आराम आराम से करें। जिनको कमर में दर्द होता है ना, उनको पहले तो 10-10 सेकंड ही कराते हैं, फिर 20 सेकंड, फिर 30, आपको तो एक एक मिनट करना है। एक आसन का आइडियल टाइम है 1 से 5 मिनट, 1 से 5 मिनट, आपके 5 आसन तो रोज करने होते हैं, फिर बाकी चेंज कर करके रोज कराएंगे आपसे। सप्ताह में आपसे कम से कम 100 आसन, हर दिन 10 से 15 आसन आराम से हो जाते हैं, तो एवरेज कभी 10 कभी 15 कभी 20 भी आसन की, और संडे के दिन तो पूरे के पूरे ही कर लो, तो 100 आसन आप इजीली कर लेते हैं, और वह आपके आरोग्य के लिए बहुत जरूरी है। कमर में दर्द, सर्वाइकल स्पोनाइटिस, स्लिप डिस्क, शाटिका, लोमा स्पोनाइटिस, बहुत तरह की, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और न्यूरो प्रॉब्लम्स के साथ साथ स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस, बहुत तरह की समस्याएं दूसरी ओर से, योगाभ्यास समाधान है। इसलिए मैं कहता हूं, एक योग मैंने बोला ना, उससे हमें वैयक्तिक लाभ भी होते हैं, उससे हमें शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक लाभ होता है, और अभी क्या बता रहा था मैं, आर्थिक लाभ भी होता है ना योग से। योग करने से एक तो पैसे बचते हैं, और दूसरा योग करने वाला व्यक्ति बहुत प्रोडक्टिव होता है, इनोवेटिव होता है, क्रिएटिव होता है। योग करने वाला बड़े बड़े उद्योग स्थापित करता है, योग करने वाला कर्मयोग करता है, बहुत पुरुषार्थ करता है, और जीवन में सब प्रकार की समृद्धि, सुख, संपन्नता, ऐश्वर्य प्राप्त करता है। तो योग से आर्थिक लाभ है, योग से समाज बहुत सुंदर बनता है, इसलिए सामाजिक लाभ है। समाज में हिंसा, झूठ, बेईमानी, चोरी, चकारी, लूट, खसोट, असंतोष चारों और विलासिता, और जो भी एक दूसरे के प्रति घृणा नफरत, ये सब मिट जाती है ऐसे। अब तीसरा अभ्यास, योग का सामाजिक लाभ है, तो योग से वैयक्तिक लाभ, योग से हमारा होता है आर्थिक लाभ, अब सामाजिक लाभ। देखो, पैर उठाओ अपोजिट साइड के हाथ के पास में, लेकर के आओ ऐसे, घुटना सीधा, पंजा तना हुआ, गर्दन विपरीत दिशा में, पहली उंगली से और अंगूठी से पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे, दोनों पैरों के घुटने सीधे ऐसे तरीके से करो, घुटना सीधा, पंजा तना हुआ, बच्चे तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, गर्दन अपोजिट साइड में, आधा आधा मिनट दोनों तरफ से कर लेंगे तो एक मिनट में दोनों तरफ से हो जाएगा ही मरकटासन। फिर दूसरी ओर से कीजिए, वापस पैर को ऐसे लेकर के आएंगे जैसे लेके गए थे ना, ऐसे ही तरीके से लाना, फिर दूसरे पैर को 90 डिग्री पर उठाइए, पहले ऐसे, फिर अपोजिट साइड में लेके जाइए, जैसे लेके गए वैसे ही वापस लेकर के आना है, गर्दन अपोजिट साइड में ऐसे, घुटने सीधे, पंजे तने हुए,
हर एक अभ्यास को सही तरीके से करना है। मेथड 100% परफेक्ट होना चाहिए, टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी, ये चार बड़ी बातें हैं योग में। क्या बताया? मेथड, टाइमिंग, कंसंट्रेशन एंड से अगेन द फॉरवर्ड, दोबारा से बोलो, मेथड, टाइमिंग, कंटिन्यूटी, पूर्वक किया हुआ योग पूरा बेनिफिट देता है। वापस एक तो ये आसन हो गया कमर दर्द के लिए, फिर जिनको कमर दर्द होता है ना उनको और भी आसन बहुत तरह के कराते हैं, उसमें एक एक पैर को ऐसे उठाते भी हैं, नीचे लेके आते हैं, उठा लीजिए, इससे पूरी कमर अच्छी हो जाती है, नीचे का लोअर बैक। इससे जिनको कमर में दर्द होता है वो पहले थोड़ा ही उठा पाते हैं, आपको तो कोई दर्द दुर्द नहीं है, खाली बता रहे हैं, ऐसे थोड़ा थोड़ा उठाते हैं, कमर दर्द होने पर दोनों पैर नहीं उठाते तो लोअर बैक अच्छा होता है। तो इससे अर्ध पवन मुक्तासन भी कराते हैं, कंधरासन भी, कटियुत्थानासन भी कराते हैं। चलो अब उल्टे लेट जाओ, उल्टे उल्टे लेटेंगे और उल्टे लेट के सबसे पहले मकर आसन क्या करेंगे बोलो, मकर आसन। तो कितना आसान है, तो ऐसे ही कर लिए, इसमें क्या है, एक एक से भी कर लेते, दोनों से भी कर लेते, लेकिन जिनको कमर में दर्द होता है ना उनको बहुत बेनिफिट होता है इससे। योग के लाभ बता रहा था, योग से होता है कौन सा लाभ बताया था, एक तो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, उसके बाद क्या बताया था, आर्थिक के बाद सामाजिक। सामाजिक लाभ कैसे होता है, योग करेंगे तो समाज में लोग उल्टे पुल्टे काम नहीं करेंगे, सामाजिक लाभ। और योग से राजनीतिक लाभ क्या होता है, अच्छा नेतृत्व मिलेगा, जो योग करेंगे वो अच्छी राजनीति करेंगे, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री भी योग करते हैं, देश के बहुत सारे मुख्यमंत्री भी योग करते हैं। योग के दो तीन तरह के लाभ हैं राजनीतिक रूप से, एक तो योग करने वाले अच्छी राजनीति करेंगे और योग करने वाले राजनीति के शिखर पर भी पहुंच जाते हैं। तो योगी जो होते हैं, अब कोई कहेंगे कि योग करके तो फिर तो हम भी आदित्यनाथ योगी जी की तरह, वो भी उत्तराखंड में पैदा हुए थे, हाँ ऋषिकेश के ऊपर, योग करते करते आदित्यनाथ योगी क्या बन गए, देश के सबसे बड़े प्रांत के मुख्यमंत्री। और ऐसे ही लगातार आगे चलते रहे तो कभी न कभी हो सकता है प्रधानमंत्री भी बन जाए। तो देखो पढ़ाई के तो लाभ हैं, योग करने के भी लाभ है, योग करने से क्या बन सकते हो, मुख्यमंत्री। और नरेंद्र मोदी जी ने योग किया तो क्या बन गए, प्रधानमंत्री। योगी बनो, कर्मयोगी बनो तो एक दिन प्रधानमंत्री भी बन सकते हो, राजनीतिक लाभ है। और जो योगी होंगे वो देश का बुरा नहीं करेंगे, तो इससे देश का भी कितना लाभ है, ये राजनीतिक लाभ है। ये मकर आसन हुआ, फिर भुजंगासन, ऐसे करो बेटा, ऊपर देखो, कोहनिया थोड़ी सी झुकी हुई ऊपर की ओर देख रहे हैं, नाभि तक टिका रहे, ऊपर देखो, बहुत अच्छा कर रहे हैं बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे, इसको तो सभी ने बहुत अच्छा किया है। फिर वापस इसके चार अभ्यास हम कराते हैं, भुजंगासन एक, भुजंगासन में दूसरा अभ्यास, दोनों हाथ थोड़ी के नीचे, सामने से पूरा उठा दीजिए, ऊपर देखिए, बहुत सुंदर, करो करो, सभी ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छे। और किसी किसी का तो शरीर इतना फ्लेक्सिबल होता है सिर पीछे लग जाता है नितंब से। चलो वापस भुजंगासन हो गया, तीसरा भुजंगासन तिर्यक भुजंगासन, दोनों हाथ छाती के दोनों साइड में, दोनों पैरों में पीछे फासला 1.5-2 फीट का, सामने से उठाइए और दाएं कंधे से पीछे बाएं पैर की एड़ी को देखिए, राइट साइड से, राइट शोल्डर से लेफ्ट साइड की हिल को देखना है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा हो गया।
राइट शोल्डर से दाएं कंधे से पीछे बाएं पैर की एड़ी को देखना है, तिर्यक भुजंगासन। फिर नीचे, फिर वापस बाएं कंधे से, अब लेफ्ट शोल्डर से वाम पक्ष से दाहिने पैर की एड़ी को देखना, कंधे के ऊपर से पूरी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। वापस, चौथा अभ्यास है, दोनों हाथ भी उठेंगे और छाती भी उठेगी। एक उठा दीजिए, हाथ भी छाती भी, पैर पीछे जमीन पर, पैर पीछे जमीन पर, सामने से उठाओ और उठाओ। वापस, अब दोनों हाथ जंघाओं के नीचे, एक एक पैर को उठाइए, दाया पैर, घुटना सीधा, पंजा तना हुआ, दोनों पैरों के पंजे एकदम सीधे, घुटना सीधा का सीधा उठे, टेढ़े मेढ़े नहीं होना, हाँ कोई घोटाला नहीं। फिर नीचे, फिर दूसरे पैर को उठाइए, फिर नीचे, अब दोनों पैरों से एक साथ और दोनों पैर पास में, एड़ी से एड़ी, पंजे से पंजा लगा हुआ, पंजे पीछे तने हुए, तरीके से करना होता है, पूरी परफेक्शन के साथ, राइट मेथड, मेथड टाइमिंग कंसंट्रेशन कंटिन्यूटी बरकरार रहनी चाहिए। अभी नीचे आ गए किसी किसी की, वापस उठाओ, रिलैक्स, चलो धनुरासन। ये तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, बच्चों में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी होती है, 100 साल तक जो ऐसे करते रहेंगे कभी बीमार, अरे कितने लाभ है इसके, बहुत लाभ है, एक लाभ है ये तो बीमार ना होना, तो इससे जीवन में बहुत बहुत अच्छी अच्छी सारी चीजें बढ़ती है। बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है, तो ऐसे बड़ी दीदियों को बड़ी मुश्किल हो रही है, खींचातानी चल रही है। रिलैक्स, बैठ जाइए, बाई करवट लेकर के उष्ट्रासन, और उष्ट्रासन में उष्ट्रासन और पूर्ण उष्ट्रासन, चलो स्टार्ट, उष्ट्रासन। वज्रासन में कुछ तो पूरा ही उष्ट्रासन कर लेते हैं, कुछ पूरा कुछ आधा, जिससे जितना बन पाता है करो, छोटे बाबू बड़े बाबू सब करो, कीजिए सब, सब करो, खड़ी नहीं रहो। करो करो, वापस,